तो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक के नंबर वन चैनल। साथियों, आज फिर से एक और जबरदस्त और शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं आपके लिए। केमिस्ट्री में धुआं धुआं कर देना है जी। केमिस्ट्री की शुरुआत बहुत जबरदस्त होती है, बहुत से बच्चों को बोरिंग लगती है, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बना रहा हूं, इसीलिए आपका साथ और आपके विकास सर होने चाहिए साथ में, ठीक है। तो चलिए, एवं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चेला लोग कैसे हो? तो हेलो चेला, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चलनी चाहिए, बाकी बढ़िया हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए। पढ़ाई अगर बढ़िया है तो यार मजेदार चीजें होंगी, जबरदस्त होंगी। यस गाइस, चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दो हर एक मित्र और मित्रियों के पास, फिर उसके बाद टन 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 क्वेश्चन करते हैं जी, मजा आएगा एकदम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चेला लोग, कैसे हो एकदम? तुम ही चेला लोग ऐसे हो जो पूरे एकदम चापे हो, तुम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और नए बैच में ज्वाइन हुए कि नहीं तुम लोग? सब लोग नए बैच में मात्र 299 रुपया में फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां 10,000 क्वेश्चंस के गाइस पीडीएफ भी मिलेंगे। मेरी जान, गुड मॉर्निंग मेरी जान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी, अगर आपका सपना है कि एक बेहतरीन और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो मेरी जान मैं बता दूं, एकदम आप सही जगह पढ़ रहे हो, एकदम बेहतरीन जगह पे पढ़ रहे हो। दोस्तों को बताओ कि यार चलो रेशवा एकेडमी में, चलो बुलावा आया है, सर जी ने बुलाया है, चलो। गुड मॉर्निंग, मजा आ रहा है कि नहीं? आज फिर से नए जो उसके साथ पढ़ाई करते, बिल्कुल क्या बात है चेला, तुम भी पढ़ो, अपने वाली को भी लेकर आओ, अपने वाले को भी लेकर आओ, सब लोग पढ़ो, तभी तो आगे बढ़ेगा। ब्याह शादी तुम लोग का होगा, मान लो तू बस प्यारे करते रह जाएगा, कमाएगा नहीं तो ब्याह नहीं हो पाएगा। प्यार भी करो, कमाना भी जरूरी है, ठीक है, त्याग दो, ज्यादा दिक्कत है तो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन श्री गणेशाय नमः करते हैं भाई साहब, एकदम शुरू से रसगुल्लो। कह रहा है, मनुष्यों में स्वास्थ्य के उचित रख रखाव के लिए खाने के नमक में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? खाने के नमक में मेरी जान, कह रहा है यस, खाने के नमक में, क्या बात है, क्या बोला है मेरी जान, खाने के नमक में, ओए होए होए, खाने खाने के नमक में मिलाया जाने वाला यौगिक बताओ, नमक में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है मेरी जान? यस यस चेला, क्या बात है, पोटेशियम क्लोराइड की मैग्नीशियम ब्रोमाइड की पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड, मुझे तो आंसर नजर आ रहा है, तुम लोग बता दो, टाटा का नमक खाए हो कि नहीं? देश का नमक कहते हैं, टाटा का नमक देश का नमक कहते हैं जी, देश का खाया है कि नहीं तुम लोग देश का नमक? हाँ, एकदम सही आंसर दिए हो, सोडियम आयोडाइड। कितने लोगों का सही है? ए चेला है ना, उधर कहाँ जा रहा है, किधर? सोडियम आयोडाइड होगा, क्या होगा? सोडियम सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड होगा, सोडियम आयोडाइड, क्लियर है दोस्त? ये होगा सोडियम आयोडाइड, सही है, सोडियम आयोडाइड होगा, क्लियर, एकदम शानदार और जबरदस्त रखना भाई लोग, ठीक है, शानदार और जबरदस्त रखना, ठीक है। हाँ सर, अच्छा इंग्लिश वाला सर अपनी वाली नहीं है तो दूसरे वाली थोड़ी लाएगा यार, चला गजबे आदमी है तू कर अपनी वाली नहीं है दूसरे वाली के लिए खाएगा, मन तुम्हारा देख रहा हूँ, ये करा काटे जाओगे, बहुत कटाओगे। अगला क्वेश्चन देखो यार, आद्र वातावरण में क्लोरीन का विरंजन क्रिया किसका उदाहरण है? आद्र, ठीक है, आद्र वातावरण में, आद्र मतलब नमी वाले, आद्र मतलब यार नमी हो, चिप 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 चिप, समझ रहा है, नमी है,
नमी समझ रहा है ना। हाँ, आद्र में क्लोरीन की विरंजन विरंजन क्रिया किसी का एग्जाम्पल है मेरी जान? सभी गुलाब जामुन। लेकिन गुलाब जामुन तो करिया करिया होता है, तो क्या गुलाब जामुन ठीक है तुम लोग के लिए? अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन, एक और ही ऑप्शन होगा ना, छुपा होगा, चला जा भाई। प्रतिस्थापन, निचवा है छुपल है, निचवा है प्रतिस्थापन। तो अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन या प्रतिस्थापन, विच वन इज द राइट आंसर मेरे दोस्त? एकदम दबा के शेयर करिए। सर आपको ठंडी नहीं लगती? नहीं नहीं हमको नहीं लगती, हम बाहुबली हैं, ठंडी नहीं लग रही चेला हमको। यस, ये होता है ऑक्सीडेशन गाइस, बिल्कुल करेक्ट। बहुत सारे बच्चों का बी ऑप्शन आया है, उनको मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी जान। और मैं बताना चाहता हूँ, हर एक के मोबाइल में, आपके घर में जितने मोबाइल हो, रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप होना ही चाहिए, अन्यथा आप टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पा सकते हो। अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है मेरे दोस्त, अभी अभी डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, 299 रुपया। अपने वाले के साथ घूमने जाओगे ना तो एगो चूड़ी कंगन खरीदेगा, खत्म हो जाएगा। सरकारी कॉलेज पाएगा, बढ़िया पढ़ाई करेगा, सरकारी नौकरी पाएगा, तो ऐसा बाबू जी ऐसा दिलवाएंगे एकदम कंगन खूब ढेर के लेके आएगी। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, 299 में पढ़ के सफलता पाना चाहते हो या घूमना चाहते हो, इट्स योर चॉइस गाइस, ये आपका चॉइस है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है केरोसिन मिश्रण है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है केरोसिन मिश्रण किसका? फलाने का, ढेकाने का, चिलाने का, फलनिया का? कह रहा केरोसिन मिश्रण है भाई, एरिंस का, एल्केनो का, एल्किनो का, एल्काइनो का? जल्दी से बताओ, ठंडी है ना, जल्दी से बताओ, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, भुला ना सकेंगे तुम, ऐसे गाना ही नहीं था, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूंगा। सत्यपाल गधा जब पढ़ेगा नहीं तो हमारी ब्लेम करेगा, पढ़ना पड़ेगा ना मेरी जान, मेहनत से। ए जल्दी से बताओ, जल्दी से, सर बी एल्किनो का, सर बी एल्केनो का, एल्किनो एल्केनो में अंतर बहुत काटेंगे, बी भी आंसर दे रहा है, वह इसको भी बोल रहा है, एक तो उधर बी बोल रहा है, इधर एल्किन, नहीं एल्केनो का, ये वाला सही आंसर दीजिए तब ना मजा आएगा जी। तन शेयर मार दीजिए दबा के, एकदम चापे रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एकदम सही है, खटाखट एकदम टॉप करने वाले हो तुम लोग, लग रहा है यार एग्जाम में इस बार। कह रहे एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, CH2O है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, क्या बोला है? एक यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है ना दोस्त, मूलानुपाती सूत्र CH2O है, क्या है? CH2O है, इसका अणु भार 180 ग्राम है, इसका अणु सूत्र क्या होगा मेरी जान? चलो चलो बताओ जल्दी से, अणु भार दे रखा है भाई, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, जल्दी से, अणु भार मूलानुपाती सूत्र दे दिया है, अणु भार दे दिया है, ठीक है, कितना आंसर आ गया? देखो n बराबर सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 का गुणा कर दोगे इसमें C6H12O6 आ जाएगा, मतलब अगर चलो इसको जब करेंगे तो और बताएंगे डिटेल में, मतलब आपका पहला ऑप्शन इज वेरी वेरी राइट आंसर। पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्त? बहुत सही आंसर होगा, ठीक है, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कितने लोगों का सही आया है? हाँ आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, चिल्ला चाप दिए हो, अरे बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, गजब कमाल कर गए निधि कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशन है, सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन है आज का बजरा सिंगम सिंगम सिंगम,
कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या गलनांक के द्वारा, क्या अणुभार के द्वारा, क्या मिश्रित गलनांक के द्वारा, क्या घनत्व यानी डेंसिटी के द्वारा। मेरी जान जल्दी से बताओ किसके द्वारा कार्बनिक यौगिक की शुद्धता की कैलकुलेशन यानी कि निर्धारण किया, रिप्रेजेंट किया जाता है? काजल रॉय, एक कौन आ गया, सख्त लौंडा, मतलब जॉन गजबे नाम, अंजलि कुमारी सी आंसर आ रहा है, पीयूष अग्रहरी क्या बात है, ओ एरिक निकेश कुमार, अरे एरिक लगाया है तो एरिक निकेश कुमार को बहुत बहुत थैंक यू यार, ऐसे मतलब ऐसा नाम तुरंत हम पढ़ते हैं बता दे रहे हैं, जैसे मेरा नाम लगाया रहोगे तुरंत पढ़ेंगे। नंदनी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, बट बाय बस, अरे नंदनी यहाँ भी जाओ, यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग यार, थैंक यू नंदनी सो मच। सत्यम पाल, हाँ नंदनी क्लास ट्वेल्थ की छात्रा है, बहुत बेहतरीन, यहाँ भी आई हैं सपोर्ट करने, मॉर्निंग मॉर्निंग। देखो भाई बात कहने की क्लियर है ना यहाँ पे, हाँ एरिक प्रीतम कुमार गुड मॉर्निंग सर जान, अरे बहुत बढ़िया एरिक, ये भी लगा लिया एरिक वालों, एरिक का मतलब सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा। देखो इसका मिश्रित गलनांक से, मिश्रित गलनांक से निर्धारण करते हैं, याद रहेगा, बोलो याद रहेगा कि नहीं, मिश्रित गलनांक से करते हैं, याद होना ही चाहिए ठीक है। हाँ हाँ एरिक लगाने वाला सबसे पहले नाम लेता हूँ, बिल्कुल एरिक निकेश बहुत अच्छा, अब उन्हीं का नाम ही लेंगे, जाने दो छोड़ो, तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। अब कह रहा है यदि Na2CO3 पिछले साल 300-400 बच्चों ने नाम लगाया था एरिक वाला, पिछले साल गजब के सपोर्टिव बच्चे थे, यदि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाए तो प्राप्त विलयन का pH माने क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा, बढ़ या घट सकता, कुछ भी हो सकता है इसने बोला है, जल्दी से बताइए, बोल रहा है कुछ भी हो सकता है जी, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम चाप दो चाप दो। सी आ रहा है एरिक निकेश कुमार का सी आया है, ओ ओ बहुत बढ़िया नंदनी, सी इज राइट आंसर, नंदनी तुम भी आंसर दे रही हो, एरिक विकास हमने भी लगा लिया सर, नाम गलत लिख दिया चेला, ऐसे होता Arisc, ट्वेल्थ वाले तुम लोग से ढेर जान जाते हैं कभी कभी। पीयूष बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलो गजब। देखो ये क्या होता है दोस्त, ये बढ़ जाएगा जब जल में घोलोगे ना, इसका पीएच मान बढ़ जाएगा, मतलब क्षारी प्रकृति की ओर चला जाएगा, क्या होगा, क्षारी प्रकृति की ओर चला जाएगा यानी बढ़ जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया एकदम गजब का आंसर दिए, नेक्स्ट देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन है बाहुबली, हमेशा सिंह में कहेंगे बाहुबली, इस क्वेश्चन का मैं तलाश रहा हूं एक बाहुबली, कह रहा है सांद्र HCl का pH मान होता है, मुझे बताओ सांद्र HCl का pH मान, बहुत बढ़िया, ओ हाँ नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, एरिक काजल राय क्या बात है, हेलो हाँ हेलो, क्लास में भांजे, क्लास में है, नहीं होगा मांग लो क्या से सर जी, क्या से, अच्छा रुको हम दिलवाते हैं थोड़ी देर, चलिए बहुत बढ़िया एरिक काजल राय क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल दोस्त सिलेक्शन चाहिए एरिक प्रीतम, बहुत बढ़िया सिलेक्शन चाहिए तो रेशवा एकेडमी से पढ़ना ही पड़ेगा मेरी जान, एरिक विकास एक नमो लिख दिया है बहुत बढ़िया काम, चलो आगे चले। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है
HCl का पीएच मान मुझे जानना है तुम लोगों से। सी पहली बात है, HCl एक अम्ल है तो सी तो 14 तो होगा नहीं, गलत बात है, 14 नहीं होगा, 14 नहीं होगा भाई, 7 भी नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, 0 और 5 लेकर, 1 से 14 तो 0 तो होगा ही नहीं, ए ही होगा। ठीक है, ए ही होगा, क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है दोस्त, क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, हाँ देखो अगर नॉर्मली देखा जाए तो HCl का पीएच मान 6.98 के पास होता है ये भी, ठीक है, लेकिन 7 भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम 5 को मारेंगे, 5 इज राइट आंसर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, 5 हम दोस्त राइट, 105 पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से मेरी जान। अगले क्वेश्चन पे तुम्हें ले चलते हैं जो कि और भी तड़कता और भड़कता है, लेकिन उससे पहले बता दें नए बैच आने वाले हैं, नए बैच बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है जी। जी हाँ, रेशवा रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, अब मात्र 299 रुपया में पूरा कोर्स, 10,000 क्वेश्चन का पीडीएफ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से। आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी परेशानी हो तुरंत फोन उठाओ, ऑपरेटर बैठे हैं कि चला का हेल्प करें, तुरंत फोन करो और कहो सर मुझे ज्वाइन करना है, सर मुझे ज्वाइन करना, कर दीजिए मुझे। गुड मॉर्निंग शिल्पी सिंह, कैसे हो, नजर आ ही जाते हो तुम लोग, हाँ तो आओ मेरी जान, तुम सभी स्मार्ट हो ना, तो स्मार्ट स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्वेश्चन और ब्यूटीफुल स्टूडेंट के लिए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। स्मार्ट मैंने लड़कों के लिए बोला, ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए, दोनों का तारीफ कर दिए ना, क्या बात है। अब क्वेश्चन क्या है जी, कि C2H4Br2 के संभावित संरचनात्मक समावयवों की संख्या होगी, संभावित पूछा है दोस्त, संभावित पूछा है, यस संभावित पूछा है मेरी जान, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त बात किए हो तुम लोग, मजा ही मजा है। ठीक है, यस ठीक है दोस्त, ऐ चेला बताओ चांप के, प्रभास सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया, यस मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, कितने सी सी, अरे यार सी सही, तुम रोमन स्टडी बॉय 3 होगा सर, बहुत सही दिए फातिमा, बहुत अच्छा अंजू, नहीं अंजू, हाँ अंजू सही है, एरिक नीते निकेश, एरिक अंसारी, क्या बात है, एरिक वालों का नाम फटाफट मुझे याद हो जा रहा है तुरंत। कौशल कुमार कह रहे सर आपके वजह से मुझे सरकारी कॉलेज मिला है, थैंक्स सर कौशल कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस, एकदम चांप दिए हो, चांप दिए हो। एरिक प्रीतम बहुत बढ़िया, एरिक निकेश क्या बात है, एरिक अंशारी गजब दिख रहे हो तुम लोग, तुझे दिल लग, एरिक कौजल राय, बस बस बस, इंजीनियर सूरज आई विल चेक यार, उसको मैं चेक करूंगा जरूर, थोड़ा सा 0 तो बड़ा थोड़ा कष्टदायी मुझे भी लग रहा है। ठीक है सूरज डोंट वरी आई विल चेक, जैसे अगर तुम, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, इसको थोड़ा सा, इसके आंसर को दोस्त देखो, गलत जान लेना गड़बड़ है, इसमें सही आंसर अगर 0 दिया है तो आई विल चेक, बिना चेक किए मैं नहीं करूँगा, आप इसको छोड़ दो। ठीक है इसको भी छोड़ो, मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसका 2 आंसर होगा, अगला ये क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं जानना हमें, हमें सही जानना है, जानकारी हमें सही लेना है, भले से थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, एकदम इजी है, प्रथम कार्बनिक यौगिक, एक बार शेयर करके आओ दबा के, कह रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है,
जिसे क्या किया गया है, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, भाई लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में क्या किया गया है, संश्लेषित किया गया है। तो मेरी जान क्या आंसर होगा? ओके, अरे इंजीनियर सूरज ने बहुत सही आंसर दिया है, क्या दिया है, यूरिया होगा, NH2CO NH2 सही है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा कोई बात नहीं, एरिक प्रीतम पिछले बार का आपका मेहनत जो है ना इस बार रंग लाएगा, देखिएगा। देने वाला जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है, मेरी जान, समझ रहे हो मेरी जान, सोचो तुम लोग को कितना हम मानते हैं, सीधे बोलते हैं मेरी जान, सोचो तुम लोग, तुम किसी और को बोलते हो, हम तुम लोग को बोलते हैं, तो सोच सकते हो कितना तुम लोग को मानते हैं। एरिक निकेश कुमार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू। अब यूरिया तो हो गया, यूरिया छोड़ दो, अब आओ किसी और पे चलते हैं। अच्छा लड़कियां देखना सीरियल बड़ी देखती हैं, सब लड़के मूवी देखते हैं, मार धार वाला मूवी, ठीक है, मतलब लड़कियां सीरियल देखती हैं बैठ के, सासू माँ आज पनीर की सब्जी बनेगी 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 बनेगी, उसी पे कट गया। अब बेचारी सब बैठ के सोच रही हैं सब, हाँ अरे कल क्या होगा, पनीर की सब्जियाँ उसकी, उसका मन किया है खाने का, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, आखिर में कल क्या होगा, पनीर की सब्जियाँ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्या हुआ होगा उसके टेंशन में, एकदम ऐसे एकदम इधर प्याज काट रही हैं सब, पता नहीं चल रहा प्याज कट रहा है कि क्या हो रहा है, प्याज जो मूली काट दी सब, टेंशन में है सब, कल क्या होगा, पनीर की सब्जी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, हाँ एकदम क्या वो खा पाएगी कि नहीं खा पाएगी, क्या उसकी सासू माँ उसको प्रताड़ित करेगी, अब उसके मन में बैठ गया, जितनी भी सासुएं होती हैं खराब होती हैं, अब लड़की के मन में बैठ जाता है, ठीक है, जितने भी सासू माँ होती हैं सब खराब होती है, ऐसा नहीं होता है मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो ठीक है, लड़के सब बिंदास, सबसे खतरनाक मूवी लाएंगे जिसमें मार धाड़ ज्यादा हो एकदम, ठीक है, साउथ वाली मूवी लाएंगे सब खतरनाक। इथानोल का एक समावयव है, कौन सा है इथानोल का, जल्दी से बताओ, गुड मॉर्निंग, ठीक है, देखो मनोज यादव बता भी रहा, नहीं नहीं कहा है किसी लड़की को बोले, ये सब लड़कियां नहीं है हमारे यहाँ, जितनी पढ़ती हैं सब सीरियल वाली नहीं है सब, दूसरे का हम बोले हैं, तुम लोग को नहीं बोले, टेंशन मत लेना, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, ब्यूटीफुल गर्ल विथ ब्रेन। चलो चलो क्या हुआ क्या हुआ, देखो इथेनॉल का एक समय है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथ, अभी मैं ईथर पढ़ाने भी वाला हूँ इंटरमीडिएट में, अभी मैं एल्कोहल और क्या कहते हैं एल्कोहल और फिनॉल पढ़ाया हूँ। एल्कोहल का मतलब कोई भी हमारा आर यौगिक है, इससे क्या एच निकल जाएगा, इसमें ओ एच जुड़ जाए, ठीक है, तो आर ओ एच बन जाता है, ठीक है, आर ओ एच बन जाता है, ठीक है, और उसी प्रकार से एक बेंजीन ले लो, एक बेंजीन ले लिया, ठीक है, इससे एच निकल गया, ओ एच जुड़ जाता है, तो ये तो आपका एल्कोहल बन गया, ठीक है, एल्कोहल एक बेंजीन से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं बेंजीन के साथ एक ओ एच लग जाएगा, वहाँ ना लगाओ यहाँ लगा दो ओ एच, इसको नहीं है, ठीक, ये हो गया फिनॉल। तो बाबू सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी तुम लोग को। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्त, निम्न में से एक यौगिक कौन है, चूना पत्थर, सीमेंट, प्रोड्यूसर गैस या ग्रेफाइट, कौन है जल्दी बताओ, है कौन जल्दी से बताओ यार, है कौन, एक बार मैं चाहता हूं कि सभी चेला लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करें, यस जल्दी से लाइक करिए,
एक बार सब लोग लाइक करो, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। अगर हम आपको दिल से मानते हैं तो आपको भी दिल से लाइक करना पड़ेगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं आप हमारी एनर्जी को बरकरार रखिए, ठीक है। तो एनर्जी मुझे कौन देगा? आप लोग दोगे। तो इसमें देखो एक ही राइट आंसर है, ए। नहीं एरिक विकास, ऐसा नहीं होता है, एकदम दिल से आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। रोमन स्टडी बॉय, थैंक यू सो मच मेरी जान। अगला देखो, चलो जो नहीं करेगा उसको पाप पड़ेगा, बता दे रहे हैं सरकारी कॉलेज हम ही दिलवाएंगे, इसलिए लाइक किया करो, पाप ना पढ़वाओ। देखो गुरुजी को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें एक ही सीमेंट नहीं होगा, प्रोड्यूसर गैस नहीं होगी, ग्रेफाइट नहीं, चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ए इज दिस राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चूना पत्थर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, मेंडलीफ ने निम्न का परमाणु भार का संशोधन किया, ठीक है, ओके। क्या किया? चलो, मेंडलीफ ने निम्न का परमाणु भार का संशोधन किया। देखो मेंडलीफ ने बेरिलियम का किया, आयन का भी किया, प्लेटिनम का भी किया, मतलब लगभग सभी का किया, तीनों का किया, तो इसलिए उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर। इसका भी किया, इसका भी, इसका भी, तो ये ऑल दी एबव वाला आंसर सही होगा। क्या होगा? ऑल दी एबव, ऑल दी एबव वाला इज राइट आंसर, ऑल दी एबव वाला इज राइट आंसर, क्लियर है। ऑल दी एबव वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल क्या होगा दोस्त? करेक्ट आंसर, ऑल दी एबव वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट्स क्लियर गाइस, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरी जान, बिल्कुल करेक्ट, ऑल दी एबव, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, बिना देरी किए मेरी जान। कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक जिसमें 75% कार्बन तथा 25% हाइड्रोजन है का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? तो देखो यार 75% कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन 25%, उसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? जल्दी से, जल्दी से आंसर, सीधा आंसर मुझे दिख रहा है, CH4 मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? CH4 मुझे दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है दोस्त? क्या आप लोगों को दिख रहा है? सब लोग सुनो, जस्ट 12 क्लासेस, क्लास 12th की पूरी तैयारी मैं करवाता हूँ, वहां पे सुन लो अपने सर जी की क्या क्या चीजें हैं, जानते रहो, कम से कम बताओगे तो कहीं ना यहाँ पे ये चीज होता है। आप लोग पहले बार सर्च करो यूट्यूब पे और जाके सब्सक्राइब करके आओ, जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे रेशवा एकेडमी पूरा सपोर्ट करता है तुम लोग को, पॉलिटेक्निक वालों को, तो जस्ट वेल क्लासेज भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी उन गरीब बच्चों को मात्र 299 में पूरे 1 ईयर की स्टडी हो रही है क्लास 12th वालों की, 11th और 12th की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी। और एक सुविधा और है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और 90% नंबर लाता है, क्या 90% नंबर लाता है, तो उसको हमारे तरफ से एक टैबलेट इनाम मिलेगा। वो टैबलेट आराम से चलाइए, मस्त तरीके से मजा। आप भी अगर 90% लाना चाहते हो तो जाके एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो। कहा सर आपकी कितनी GF है? एक को नहीं, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, एक को नहीं है, पढ़ाने से फुर्सते नहीं है, तो ठीक है। तो आप लोग भी जाके जस्ट 12 क्लासेस को सपोर्ट करो, और टैबलेट अगर कोई भाई है आपका, कोई बहन है, तो उसको बताओ टैबलेट मिलेगा। टैबलेट इतना आसान नहीं, कोई नहीं देता है, लेकिन हम दे रहे हैं, क्योंकि आप 90% लाओगे तो हम देंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है, ओके दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है मुझे तो देख के। हाँ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया। हाँ नहीं, बिल्कुल शादी नहीं हुई हमारी, बिल्कुल नहीं हुई है। ओके 75% सी अकेले है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस पे हो गया। शुद्ध नवजात हाइड्रोजन की बात कर रहा, शुद्ध नवजात हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए निम्न के मध्य अभिक्रिया की जाती है। इनमें से कौन है ही नहीं है, सब शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करना है ना, इनमें से कोई है ही नहीं है भाई, इनमें से कोई है ही नहीं है अगर हमें प्राप्त करना है तो। ठीक है इनमें से कोई नहीं, आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट C3H5Br3 के संभावित सम आइसोमेरिज में बहुत पूछ रहा है, इस बार मैं जल्दी पढ़ाऊंगा। आइसोमेरिज पर छोटा टॉपिक दूंगा एक, कैसे आइसोमेरिज में पता करते हैं, समयवयवी कैसे पता करते हैं, तो ये पूछा है आपको। तो ये मुझे देखो यहाँ पे इसके कम से कम 8 समयावयवी होंगे, 8 होंगे, 8 इज राइट आंसर। इसके लिए क्या मैं बोलूँ, जो 8 होगा 8 होगा वह राइट आंसर होगा, 8 क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्त, तो 8 क्या होगा सही आंसर होगा, 8 इज वेरी वेरी राइट आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट। अस्थाई कठोर जल को उबालने पर उत्पन्न हो सकता है, अस्थाई कठोर जल पर जल को उबालने में पर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है तो अस्थाई कठोर जल को उबालने पर क्या उत्पन्न हो सकता है यार, कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होगा, क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न, अस्थाई टेम्पोररी, अगर कठोर जल को हम उबालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट उतना तय है। ठीक है दोस्त, तय है। हाँ देखो यार सपोर्ट जब टीचर को करोगे ना, तो टीचर एक बहुत बढ़िया होते हैं सब, मैं तुम्हारे लिए एकदम तैयार रहता हूँ कुछ भी करने के लिए। अभी एग्जाम आ रहा, 4-4 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा तुम लोग को, 4-4 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको टीचर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। उसकी वीडियो को आते ही लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ठीक है यस, कह रहा है दिए गए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बेहतरीन। कह रहा दिए गए यौगिकों में से कार्बनिक यौगिक नहीं है, हेक्सेन है, स्प्रिट भी है, स्प्रिट जैसे लाइक एल्कोहल वगैरह में होता है। ठीक है ठीक है, यूरिया भी है, यहाँ पे अमोनियम साइनेट ये नहीं है, ये अमोनियम साइनेट नहीं है, तो आंसर क्या होगा दिए गए में, अमोनियम साइनेट इज राइट आंसर। क्या होगा दोस्त, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट क्या होगा, अमोनियम साइनेट होगा, अमोनियम अमोनियम साइनेट साइनेट। ठीक है अमोनियम साइनेट इज राइट आंसर। ओके हो गया, अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन चले, जल्दी से बताइए। यू आर द बेस्ट टीचर सौरभ बाबू, थैंक यू एरिक, काजल राय, एरिक निकेश, अब एरिक वाले फटाफट दिख रहे हैं सब लोग, अब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, मैं उनका नाम, एरिक वाले कमेंट करो फटाफट तुरंत, मैं उनको एक थोड़ा सा नाम ले लूँ, कौन कौन है, एरिक निकेश है, एरिक निकेश, एरिक निकेस, ठीक है बहुत, और कौन है, काजल है, एरिक काजल है, अच्छा ओके। सर आप कौन से कंपनी का टैबलेट दोगे, अच्छी वाली दूंगा यार, नकली चाइनीज थोड़ी ना दे देंगे, चाइना का दे देंगे, बढ़िया कंपनी का देंगे, सैमसंग वगैरह का देंगे कम से कम। ओके एरिक अंसारी, अंसारी चलो बहुत बढ़िया, और कौन है भाई, नाम उनका सबका लिख दूं ताकि बेचारे ऐसा ना लगे औरों से अलग है, उनको लगे। सर जी आपने 4 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया जो मुझे, अच्छा आकाश ग्रुप ग्रुप में डिस्कशन करने का मौका, यही तो मौका है, ग्रुप में भेजो और डिस्कशन करो।
ठीक है, ओके, भोजपुरी फैक्ट्स जी। अब क्यों नहीं बनाते हैं सर, गधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों नहीं बता दो जी, आंसर बताओ तुम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है, एक तत्व बोला है जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है, जल्दी से बताओ। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है, एकदम गाइस बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त बताना है आपको। चलिए चलिए लाइक करते जाइए, क्या आंसर आ रहे हैं आप लोग के। बेरियम बिल्कुल सही है, सी सी कोई दे रहा है, कोई सब लोग सी दे रहे हो, सब के सब, नए बीपी ने आदो नहीं होता अभी। एरी काजल बी दे रही हैं, अच्छा ओके, मैक्सिमम लो। हेलो विकास भैया, धीरज कुमार, हेलो हेलो धीरज भैया कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप। ठीक है चलो दोस्त, मजा आ रहा है। यस गाइस, वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, एक एलिमेंट की बात किया है, हाँ अभी अब सुनो, एक चीज सुनो, अभी कल मैं क्या करूंगा, एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा, उस चैप्टर में क्या होगा, एकदम जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से, ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे, मजा आएगा जबरदस्त और शानदार तरीके से। ओ ओ, सबसे कम किसका होता है? देखो अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब भी हम जब विद्युत ऋणात्मक श्रेणी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव में, तो जब श्रेणी पढ़ेंगे ना विद्युत, तो या वहां पे सारी चीजें हम जानते रहेंगे, विद्युत ऋणात्मक श्रेणी, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक श्रेणी। अभी ध्यान दो कि जब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब तुम्हें समझ में आएगा प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये चीज है, और मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये भी मुझे बता दो, ओके रीता कुमारी, अब मतलब क्या करें, तुम्हें कमेंट पढ़ने में मजा ही आ जाता है, कुछ अलग ही मजा रहता है, ठीक है, हाँ यस सर जी, वो तो संडे को ना, तो वो तो ऑटो टेस्ट है ना, संडे टेस्ट होता है, ठीक है, आप कल तो ज्वाइन किए थे, अच्छा सुनो, आपको मैं पहली बात तो आप मॉक टेस्ट दो, मैं बताता हूँ, ठीक है, ये लॉन्च करवाता हूँ, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट दोगे जब, डेली एक मॉक टेस्ट दोगे, डेली डेली एक, ए पैड क्लासेस के बच्चों के लिए रहेगा जो रेशवा एकेडमी पे जुड़े हुए हैं, जो रेशवा एकेडमी पे जुड़े हुए हैं उनके लिए है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट देना है, क्या देना है, डेली, मज़ा आएगा, एकदम गार्डन गार्डन दिल हो जाएगा तुम्हारा, कहो कि हाँ सर बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, तो एक बार करके तो देखो दोस्त, ठीक है, एक बार करो मजा आएगा सच में। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क ले लीजिए, और क्या करिएगा दोस्त, बता दूंगा तो ऐसे जान जाओगे, सर्च नहीं करोगे, एक बार इसको जानो समझो, और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना। कल का, कल मैंने जब पढ़ाया था, देखिए कितने बच्चों ने कमेंट किया था हमारे वीडियो पर, मैं देखना चाहता हूँ, यस कितने बच्चों ने किया था, एक बार मैं जान लूँ जरा, ठीक है ओके,
बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ तुम सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कल की वीडियो में कमेंट करने वाले बंदे हैं हमारे, कौन कौन दिखा दो एक बार नाम। हाँ ये जी खुशी यादव है, वेरी वेरी अमेजिंग क्लास सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, होमवर्क का आंसर ए है। तो खुशी यादव बहुत बहुत थैंक यू आपको भी एंड ऑल द बेस्ट। अंशु कुमारी, मॉर्निंग में आपका क्लास करके मजा आ जाता है गुरुजी, थैंक यू सो मच अंशु। इंजीनियर सूरज कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर गुरुजी, आप पढ़ाते हैं ना तो दिल जो होता है गार्डन गार्डन हो जाता है, थैंक यू इंजीनियर सूरज। खुशी यादव थैंक यू, एंड सौरभ बाबू, सौरभ बाबू वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, तो वेलकम है डियर। धर्मवीर कुमार मुजफ्फरपुर से, सुपर क्लास सर, थैंक यू सो मच धर्मवीर। आकाश शर्मा वेरी फैंटास्टिक क्लास सर, थैंक यू सो मच, आप पढ़ाए हैं तो दोबारा रिविजन करने की जरूरत नहीं होती, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। राज नंदनी कुमारी नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच राज नंदनी। सौरभ बाबू थैंक यू। आदिल जैन तगड़ा क्लास सर, मज़ा आ गया, थैंक यू। ओके तनु बहुत अच्छा, वेरी राइट। सूरज मौर्य वेरी राइट। इंद्रेश यादव वेरी अमेजिंग क्लास सर, थैंक यू सो मच। आंचल वर्मा थैंक यू सो मच। ज्ञानेंद्र कुशवाहा थैंक यू। अभिनव वेरी राइट। आकाश शर्मा वेरी राइट। नीमी बीटीएस वेरी राइट। ऋषभ विसी वेरी राइट। मिस्टर सुमन मौर्य ग्रुप में वेरी राइट। चलो इतने लोगों ने कल अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा प्यारा कमेंट किया था, तो उन बच्चों को प्यारा प्यारा थैंक यू सो मच, उन प्यारे प्यारे बच्चों को थैंक यू सो मच, समझ रहे हो हिमांशु, थैंक यू, लव यू ब्रो। शिवम पटेल लव यू। ओके तो आप सभी की आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगा। जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बाबू क्यों क्यों पछताने वाला काम करा रहा, फिर बाद में मुझे एक लाइन कहनी पड़ेगी, अब क्या हो जब चिड़िया चुग, जब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप क्या करो दोस्त, आप हमारे इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर है 9621 94 80 25, कॉल करो व्हाट्सएप करो 9628 00 47 08, कॉल करो व्हाट्सएप करो, कॉल कीजिए और व्हाट्सएप। अब बोलिए सर मुझे नया बैच खरीदना है, नए बैच में ज्वाइन होना होना है आपको, वह तुरंत ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त आपको, वह तुरंत तुरंत ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे आपको, वो तुरंत ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर। हाँ टॉपिक भी स्टार्ट होगा, बीच बीच में भी करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार, ठीक है, और उनका आशीर्वाद भी, कहते हैं भोजपुरी में गोड़ चुके गोल लाए, उनका आशीर्वाद रहा, सब कुछ सही होगा, मस्त होगा। और कोशिश करिए जस्ट वेल क्लासेस, क्लास ट्वेल्थ और इलेवेंथ के बच्चों को उसके बारे में बताइए, आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं कम पैसे में जा, वो जाके हर महीने 1000 रुपया 1200 1400 फूंक देते हैं सब माता पिता का, माता पिता इतना मेहनत से देते हैं, यहाँ पे मात्र 299 रुपये में पूरे साल की पढ़ाई हो रही, तो उनको भी बताइए ताकि वो भी पढ़े। चलिए थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने के लिए, आपके प्यार के लिए। रेशो एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्लास कैसा लगा।